हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए कार्तिक जोशी और आज हम बात करने वाले हैं ईवे बिल के ऊपर। ईवे बिल बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पर उसमें से मैंने आज कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो छोटे व्यापारी को बहुत कंफ्यूज कर देगा। जबकि मूवमेंट ऑफ ईवे बिल का एक पॉइंट है जिसमें इंटरस्टेट मूवमेंट है या इंटरस्टेट मूवमेंट है तो 50,000 किलोमीटर क्रॉस करनी है नहीं करनी है, ईवे बिल 50 किलोमीटर के अंदर बनाना है नहीं बनाना है, ईवे बिल कौन बना रहा है, वाइदर रजिस्टर सेलर बनाएगा, बायर बनाएगा, ट्रांसपोर्टर बनाएगा, तो ये सारी चीजें को एक छोटे से वीडियो के अंदर क्लब करके मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। ईवे बिल को हम देखते हैं तो कब यूज करना है, मूवमेंट ऑफ गुड्स के टाइम पे यूज करना है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इन कन्वेयंस बाय रेल, बाय एयर और बाय वेसल कन्वेयंस। पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अगर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है विथ ह्यूमन एफर्ट्स या विथ एफर्ट्स ऑफ द एनिमल्स। लाइक बैलगाड़ी के ऊपर कोई मटेरियल लेके जाएगा तो उसमें क्या होगा, अगर मटेरियल कोई हाथ में उठा के लेके जा रहा है तो क्या होगा। मेट्रो सिटीज के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सी जगह पे छोटे हैंड कार्ट के ऊपर और छोटी सी हथलारी के ऊपर भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है, तो व्यापारी को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है उस केस के अंदर ईवे बिल बनाना है या नहीं बनाना है। तो आप अगर इस डेफिनेशन को या मीनिंग को देखोगे तो लॉ के अंदर कहां गए, इसके अंदर कहीं भी ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन इंटरवेंशन का डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई है। तो व्हाट इट सेज कि जहां भी ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व है, फिर चाहे आपकी मटेरियल वैल्यू 50,000 हो या 5 लाख रुपीज हो, पर अगर ह्यूमन वैल्यू इन्वॉल्व है तो आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी बहुत सारे व्यापारियों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हमारा मूवमेंट, अगर हम मटेरियल कोई गाड़ी में नहीं लेके जा रहे, कोई ट्रक में लेके जा रहे, सिर्फ हाथ में लेके जा रहे तो ईवे बिल बनाना है। इस केस में याद रखना फ्रेंड्स, ईवे बिल नहीं बनाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट क्या कहता है, वैल्यू। अभी बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर बिल वैल्यू क्या यूज करनी है, 50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी करनी है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी करनी है। और उसके अंदर अगर ये देखा जाए तो अगर एक बिल वैल्यू एक गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू देखनी है या एक इनवॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू देखनी है, तो जैसे लिखा गया है कि बिल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सीड्स रुपीज 50,000, तो बहुत से छोटे सप्लायर्स को ये भी बहुत कंफ्यूज होता है, सर मेरा बिल बेसिक वैल्यू तो 50,000 के नीचे है पर मेरा जीएसटी लगाता हूं तब वो 50,000 क्रॉस करता है, तो उसके साथ मुझे ईवे बिल बनाना या नहीं बनाना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखो, अगर इंक्लूडिंग जीएसटी आपका 50,000 क्रॉस कर रहा है तो आपको ईवे बिल कंपलसरी बनाना है। फिर एक पॉइंट आता है कि सर हमारा माल तो कोई ट्रक्स में एक साथ में पांच मटेरियल एक साथ में एक ट्रक में जा रहा है, तो उस केस के अंदर ईवे बिल का क्या होगा। उस केस के अंदर भी देखना है कि अगर वो पांच मटेरियल अगर इंक्लूड टोटल करते हैं और अगर पांच मटेरियल की वैल्यू 50,000 क्रॉस होती है तो उस केस के अंदर भी आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अभी मूवमेंट के अंदर भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है कि अगर सर हमें मूवमेंट इंटरस्टेट है तो ही ईवे बिल लगेगा, लोकल में ईवे बिल नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 50 किलोमीटर के अंदर भी आपकी गाड़ी घूम रही है तो उसके अंदर भी आपको ईवे बिल यूज करना है, बस गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन ये दिया है कि आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेट नहीं करनी है उसके अंदर। पार्ट बी होता है जो ईवे बिल का, वो आप अपडेट नहीं करोगे तो चलेगा। पर हाँ, अगर आप एक कंपनी से लेके बाजू की कंपनी में भी माल जा रहा है आपका विद ट्रक या विद छोटा हाथी, वट एवर टेम्पो गिन लो, अगर उस केस में जा रहा है तो आपको ईवे बिल बनाना जरूरी है। इसको अवॉइड मत करना, नहीं तो फ्यूचर में लिटिगेशन में फंसोगे। फिर अगर आगे जाते हैं तो आता है ईवे बिल कौन बनाएगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत बार हमारे हमें क्लाइंट्स के फोन आते हैं, सर वो बायर ईवे बिल नहीं बना रहा, सेलर ईवे बिल नहीं बना रहा, तो ईवे बिल कौन बनाएगा। तो इसके अंदर हमने 3-4 पॉइंट कवर किए हैं। जैसे अगर बायर और सेलर दोनों ही रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड दोनों जीएसटी रजिस्टर्ड है बायर और सेलर, तो उस केस के अंदर आइदर बायर भी बना सकता है या सेलर भी बना सकता है। उसके अंदर कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि अगर वो सेलर डिस्पैच कर रहा है तो सेलर ही ईवे बिल बनाएगा। ईवे बिल कैन बी मेड आइदर बाय बायर और बाय सेलर, कंडीशन दोनों रजिस्टर्ड है तो कोई भी बना सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है। से फॉर एग्जाम्पल आपका सेलर रजिस्टर्ड है पर बायर अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपका एक पार्टी रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही ईवे बिल बनाएगा, ना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं बनाएगा। चलो अच्छी बात है, हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, बायर भी अनरजिस्टर्ड है, सेलर भी अनरजिस्टर्ड है, उस केस के अंदर क्या होगा। उस केस के अंदर ईवे बिल पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आइदर कैन मेक बाय लॉगिन टू ईवे बिल फॉर सिटीजन्स। ईवे बिल फॉर सिटीजन्स का एक ऑप्शन है, उसके अंदर आप क्लिक करके आप अपने डिटेल्स डाल के ईवे बिल बना सकते हो, इन केस वो था अनरजिस्टर्ड पर्सन। पर क्या होगा कि जब रजिस्टर्ड भी बोल रहा है कि भाई मैं भी नहीं बनाऊंगा, अनरजिस्टर्ड है वो, उसको भी थोड़ा टेंशन हो रहा है, उसको भी नहीं बनाना है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, दोनों ही बनाने में एग्री नहीं हो रहे कि हम ईवे बिल नहीं बनाएंगे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, भाई मूवमेंट कर कौन रहा है, ट्रांसपोर्टर, तो फाइनली कौन आएगा, ट्रांसपोर्टर, उस केस के अंदर ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बनाएगा। तो ये याद रखना, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड,
either can make in case of registered unregistered. Registered person has to make the way bill. अगर दोनों ही unregistered है तो कोई भी बना सकता है, और अगर किसी ने भी बनाने को राजी नहीं है तो लास्ट में ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है, रास्ते में वो पकड़ा जाएगा, तो उसकी जवाबदारी है बिल बना के लेके जाना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आती है वैलिडिटी ऑफ वे बिल। अभी हम ये सब जानते हैं कि भाई वे बिल अगर 4 आवर्स के बिफोर और 4 आवर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वे बिल उसको हमें अपडेट करना जरूरी है। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत से कंफ्यूजन के साथ आज भी वे बिल घूम रहे हैं कि अगर ई बिल सर हमारा समाप्त हो गया, मतलब 4 आवर्स की वैलिडिटी भी पूरी हो गई, तो उस केस के अंदर हम क्या करें। उस केस के अंदर आता है कि ई बिल 4 आवर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई तो अब क्या किया जाए, वो आता है कि जनरेट अ न्यू ई बिल बाय अपडेटिंग द पिन कोड ऑफ द प्रेजेंट लोकेशन। से फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी साउथ से लेके नॉर्थ जा रही है और शायद वो बीच में आके कहीं गुजरात में अटकी पड़ी है, आपने ई बिल बनाया था साउथ से लेकर नॉर्थ का, आपने पिन कोड अपडेट भी वहां से साउथ से जम्मू का नॉर्थ का किया हुआ था। सिर्फ फॉर एग्जांपल जम्मू आपकी गाड़ी जाने वाली थी, और पर हुआ ऐसा कि गाड़ी आके गुजरात में अटक गई और वो टाइम लिमिट भी क्रॉस हो गया और आपका ई बिल भी पूरा हो गया, तो उस केस के अंदर आप ई बिल फिर से बनाइए, उसमें पिन कोड जो डालना है वो आप डालिए गुजरात से लेके जम्मू का, और फिर नई वैलिडिटी क्रिएट होगी और फिर आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स आप इजिली कर सकते हो। ब्लॉकिंग ऑफ ई बिल्स, ये तो सब जानते हैं क्या, या तो नहीं भी जानते, जो भी है, नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी आर वन। अगर आपने जीएसटी आर कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स और 2 क्वार्टर अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपका ईवी बिल ब्लॉक हो जाएगा, आप ईवी बिल बना नहीं पाओगे और आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स भी इंपैक्ट कर सकती है। अगर रास्ते में पकड़े गए तो पेनल्टी और टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस दोनों साथ में आने हैं। आगे आता है नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी आर 3B। अगर आपने 2 महीने से ज्यादा अगर आपने 3B भी फाइल नहीं किया तो भी आपका ईवी बिल ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए आपके रिटर्न्स जीएसटी आर 1 और जीएसटी आर 3B रेगुलरली फाइल करते रहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा था, कवरिंग 2-3 पॉइंट्स जो खास करके स्मॉल बिजनेसमैन या तो वो छोटे रिटेल या तो होलसेल व्यापारी के लिए बनाया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कहीं ना कहीं इस जाल में फंसे हुए हैं या इस कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।